PN junction diode as a rectifier. हमने जितना भी PN junction को अभी discuss किया, उसको हम अभी use करेंगे in the formation of a rectifier. और rectifier है क्या? Rectifier एक device है जो alternating current या voltage को change करेगा किसमें? Direct current या voltage में. तो नॉर्मली कुछ मशीन सिर्फ डीसी पे काम करती हैं, उनको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है करंट या वोल्टेज की, और पीछे से सप्लाई क्या आ रही होती है? अल्टरनेटिंग एसी सप्लाई आ रही होती है. तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ रेक्टिफायर. तो ये है रेक्टिफायर. पीएन जंक्शन जो हमने डिस्कस किया, इट एक्ट्स एज अ रेक्टिफायर. वो रेक्टिफायर की तरह काम करेगा. रेक्टिफायर दो तरीके से बनेगा. पहले टाइप का रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरे टाइप का रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव और फुल वेव में क्या फर्क है अभी डिस्कस करेंगे. दो पार्ट्स में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर. रेक्टिफायर चाहे हाफ वेव हो चाहे फुल वेव हो, प्रिंसिपल एक ही रहेगा. और प्रिंसिपल ये है, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन बिकम्स लो when forward biased and becomes high when reverse biased. तो जो resistance की value है वो क्या है? resistance PN junction की क्या हो जाती है? low, कम हो जाती है forward biasing में, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा current pass होने देगा diode. और reverse biasing में resistance क्या हो जाती है? high, और current को क्या कर लेगा? pass नहीं होने देगा, majority current को pass नहीं होने देता. ये इसका principle है. इसकी अगर construction की बात करें, सर्किट डायग्राम की बात करें, ये इसका सर्किट डायग्राम आपने ड्रॉ करना है. इसके अंदर क्या ड्रॉ करना है? सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर, क्योंकि पीछे से सप्लाई 220 वोल्ट की भी आ सकती है, कम या ज्यादा कुछ भी हो सकती है, और हमारा जो मशीन है वो कम वोल्टेज पे काम कर सकती है. तो एक हमें ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा. तो स्टेप डाउन या स्टेप अप जो भी है, तो ये स्टेप डाउन होगा नॉर्मली. तो एक ट्रांसफार्मर, ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है. साथ में क्या लगाना पड़ेगा? एक डायोड. PN junction as a diode, ये P है और ये N है. और साथ में क्या लगाना पड़ेगा यहां पर? एज एन आउटपुट. तो आउटपुट में जो हम भी आउटपुट लेंगे डीसी की सप्लाई, तो डीसी वोल्टेज वो हमारा आउटपुट है. ये हम क्या करेंगे इस ट्रांसफार्मर में, एंड में इनपुट में एसी सप्लाई सेंड करेंगे, दैट इज इनपुट वोल्टेज. और हम आउटपुट वोल्टेज रिसीव करेंगे, लेकिन रेक्टिफिकेशन है क्या? जो एसी करंट या वोल्टेज है, एसी करंट है, वो वायर में कैसे मूव करता है? हमने पहले भी डिस्कस किया कि अपनी वैल्यू को तो चेंज करता ही करता है इंस्टेंटेनियसली, डायरेक्शन को भी चेंज करता है. तो अगर एक वायर है, एक वायर में करंट अगर राइट जा रहा है, फिर अगले टाइम पीरियड में लेफ्ट जा रहा है, टी बाई टू के बाद राइट जा रहा है, फिर लेफ्ट जा रहा है, फिर राइट, वैल्यू तो चेंज करता ही करता है, मैंने बताया, साथ में डायरेक्शन भी चेंज करता है. डीसी करंट वैल्यू को भी चेंज नहीं करता, कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ करंट है, और साथ में डायरेक्शन तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करता, कॉन्स्टेंट एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करता है. ये होता है डीसी. हम क्या करेंगे? हम एसी एज एन इनपुट इसमें सेंड करेंगे, एसी एज एन इनपुट सेंड करेंगे, एंड आउटपुट में नेगेटिव साइकिल्स को खत्म करेंगे, नेगेटिव साइकिल्स को उड़ाएंगे. क्योंकि डीसी में किसी भी हालत में नेगेटिव साइकिल तो हो ही नहीं सकती. तो उसके बाद और फिल्टर लगाएंगे, और क्योंकि अभी जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, हमने नेगेटिव जो आउटपुट वोल्टेज आएगी, इनपुट ये जाएगा सिग्नल, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल, आउटपुट में सिर्फ क्या आ रहा है? पॉजिटिव साइकिल्स, नेगेटिव उड़ाती है. उसके बाद कुछ फिल्टर लगाएंगे और इसकी सिर्फ कॉन्स्टेंट सप्लाई बाहर निकालेंगे, वो सेकेंडरी काम है. प्राइमरी काम क्या है? सबसे पहले नेगेटिव साइकिल को हटाना. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन. तो इस डिवाइस को क्या बोलते हैं जो ये काम करेगी नेगेटिव साइकिल हटाने का? रेक्टिफायर. और रेक्टिफायर किससे बना होगा? एक डायोड से बना होगा, राइट? तो रेक्टिफायर कैसे काम करता है? मान लेते हैं एक, सपोज ये पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव साइकिल है. एक पॉजिटिव साइकिल सबसे पहले इसमें एंटर करता है, और इमेजिन कर लेते हैं कि जब पॉजिटिव साइकिल इसमें एंटर करेगा, कि मान लो यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, इमेजिन करें, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, इमेजिन करना है.
कि यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, यानी कि ईएमएफ डेवलप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ जो पॉजिटिव साइकिल ने डेवलप किया। अब यहां पर हो गई म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या करेगी, और इसमें खूब म्यूचुअल इंडक्शन है, इसमें लीकेज नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो क्या होगा कि इसमें जो भी इनपुट गया, इसमें इनपुट साइकिल गया, उसका ऑपोजिट प्लस और माइनस यहां डेवलप हो जाएगा। बिकॉज म्यूचुअल इंडक्शन से जो ईएमएफ डेवलप होती है वो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, और जो कि आपकी अप्लाइड ईएमएफ वो क्या करती है, अपोज करती है। तो क्या हो गया, यहां पर पॉजिटिव हो गया और यहां पर नेगेटिव। अब क्या हुआ, पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद पी, तो कौन सी बायसिंग हो गई इसकी, फॉरवर्ड, बिकॉज एन इज कनेक्टेड विद नेगेटिव, रिवर्स बायसिंग। तो होगा क्या कि यहां पर जो डायोड है ये कौन सा बायस्ड हो जाएगा, ये पॉजिटिव बायस्ड हो जाएगा, और पॉजिटिव बायसिंग में डायोड अपने अंदर से करंट को पास होने देगा और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। अब क्योंकि इसने एज इट इज साइकिल को पास होने दिया, ये बता रहा हूं, क्या ये पॉइंट क्लियर है पहले, तो यहां पर ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, फॉरवर्ड बायसिंग से हमने क्या किया, करंट जो है वो इसको अलाउ करेगा। जब करंट अलाउ करेगा तो, और इसमें कुछ ये नहीं है कि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, हमने इसी कहा कि फॉरवर्ड बायसिंग में इट हैज अ वेरी लो रेजिस्टेंस, इट ऑफर्स अ वेरी लो रेजिस्टेंस। तो उस केस में जैसे भी एक साइकिल गया था एज इट इज साइकिल एज एन आउटपुट हम ले लेंगे, ठीक। तो जब नेगेटिव साइकिल गया, नेगेटिव साइकिल ने उल्टा काम किया, नेगेटिव साइकिल ने, अगर ये नेगेटिव है तो यहां पर किया पॉजिटिव, यहां पर किया नेगेटिव, नेगेटिव इज कनेक्टेड विद पी, तो कौन सी बायसिंग मानी जाएगी, रिवर्स, और साइकिल जो इसमें पास होगा करंट का वो इस ये डायोड अलाउ नहीं करेगा उस करंट को पास होने के लिए, तो इसलिए करंट को क्या कर लेगा, ब्लॉक कर लेगा। जब ब्लॉक करेगा तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइकिल ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो गया। फिर आएगा पॉजिटिव साइकिल, तो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में काम करेगा, और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में एज इट इज सिग्नल को पास करने देगा, और रिवर्स बायसिंग के अंदर क्या होगा, रिवर्स बायसिंग के अंदर इसको ब्लॉक कर लेगा। तो इस तरीके से आप फिल्टरेशन करते हो, रेक्टिफिकेशन करते हो, तो रेक्टिफिकेशन के इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। इसमें एक फ्लॉ है, वो ये कि अगर आप एक छोटा सा एक बल्ब ऑन करो जिसमें ये इनपुट सप्लाई दो, बल्ब ऑन होगा फिर ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन होगा फिर ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन होगा फिर ऑफ होगा, फ्लक्चुएट करेगा। तो मान लो एक सेकंड में 50 साइकिल्स जाते हैं तो एक फ्लक्चुएशन शो होगी। तो एक बहुत बढ़िया रेक्टिफायर नहीं है, इसके लिए हम क्या डिस्कस करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर।
अब पीएन जंक्शन एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर जो पिछले अभी हमने डिस्कस किया उसमें हमने ये देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्लक्चुएशन थी। फुल वेव रेक्टिफायर की पहले कंस्ट्रक्शन देख लो, डायोड एक यूज करने की बजाय डायोड दो यूज किए जाते हैं, तो ये आपके डायोड्स हैं, ये रहे एक और दो। ट्रांसफॉर्मर एज इट इज जैसे आपको दिख रहा है, आउटपुट यहां लेने की बजाय आउटपुट यहां ली जाएगी। ये आपका एक डायोड है पीएन डायोड, ये आपका दूसरा डायोड है पीएन डायोड। अब मान लेते हैं पॉजिटिव साइकिल इनपुट एंटर करेगी, जब पॉजिटिव साइकिल एज एन इनपुट इसमें एंटर करेगी तो मान लेते हैं कि यहां ईएमएफ डेवलप हुआ माइनस एंड प्लस, तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन पोलैरिटी चेंज हो गई प्लस एंड माइनस। अब प्लस इज कनेक्टेड विद पी फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग में ये डायोड करंट को पास होने देगा, लेकिन नीचे माइनस इज कनेक्टेड विद पी, कौन सी बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग में करंट क्या कर लिया जाएगा, ब्लॉक कर लिया जाएगा। अब एक डायोड फॉरवर्ड है एक डायोड रिवर्स है, ठीक, तो क्या होगा, ये तो करंट को अलाउ नहीं करेगा, ये करेगा, तो सारे का सारा करंट नीचे जाने, नीचे कुछ नहीं जाएगा, सारे का सारा करंट ऊपर से आएगा, ठीक। और ये डायग्राम ये सर्किट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। वो किसी बल्ब या किसी चीज से कनेक्टेड है, ये वाली हाँ कनेक्टेड है, तो ये सर्किट कंप्लीट कर जाएगा इसके साथ। तो इसमें ये फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा, ये रिवर्स में हो जाएगा, सारा का सारा साइकिल यहां से पास हो जाएगा, तो जैसे साइकिल आया था वैसे का वैसा पास हो गया, कुछ चेंज नहीं। पीछे से अगर करंट चेंज हो रहा है तो आउट इनपुट चेंज हो रही है तो आउटपुट भी चेंज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, एज साइकिल बाहर आएगा। अब बारी है किसकी, नेगेटिव साइकिल की। नेगेटिव साइकिल उल्टा काम करेगा, नेगेटिव साइकिल नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, बाय म्यूचुअल इंडक्शन पोलैरिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। अब क्या होगा, माइनस इज कनेक्टेड विद पी, तो कौन सी बायसिंग है, रिवर्स, ये तो अलाउ नहीं करेगा करंट को पास होने के लिए। प्लस इज कनेक्टेड विद पी फॉरवर्ड बायसिंग, ये अलाउ करेगा, तो करंट ऊपर से जाने की बजाय अब नीचे से पास होगा इस तरीके से। पॉजिटिव साइकिल में ऊपर वाला डायोड पास करने देगा करंट, नीचे वाला नहीं करने देगा। नेगेटिव साइकिल में ऊपर वाला ब्लॉक कर लेगा करंट को, सारा करंट नीचे से जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है करंट दोनों में जाएगा, और डायरेक्शन देखो आउटपुट में लेफ्ट, डायरेक्शन देखो आउटपुट में लेफ्ट, तो दोनों में करंट कहां आया, टूवर्ड्स लेफ्ट। क्या यह पॉइंट क्लियर है यहां तक। जबकि एसी के अंदर क्या होता था, एसी में एक बार लेफ्ट, अगले साइकिल में राइट, लेफ्ट राइट, एसी में आउटपुट में रेजिस्टेंस में करंट अपने डायरेक्शन को क्या करता था, चेंज, और जब वो चेंज करता था उसी को तो बोलते थे नेगेटिव साइकिल। और इसमें करंट तो पास हुआ पर चेंज नहीं हुआ, करंट अपने डायरेक्शन को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा, और इसीलिए साइकिल कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा, सारे के सारे साइकिल क्या आएंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइकिल का मतलब वैल्यू तो चाहे चेंज हो रही है पर नेगेटिव साइकिल नहीं है, डायरेक्शन हैज नॉट चेंज्ड। तो दो डायोड की हेल्प से हमने क्या किया, एक ही डायरेक्शन में करंट आना स्टार्ट हो गया और हमने नेगेटिव साइकिल को खत्म कर दिया। उल्टा हमने एक और काम किया, जो नेगेटिव साइकिल था उसको भी हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, इनटू पॉजिटिव साइकिल। तो ये आपका आउटपुट डायग्राम है। फिर हम कुछ फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर लगा के और मशीन लगा के इसमें से इस कांस्टेंट सप्लाई को बाहर निकालेंगे, पर वो सेकेंडरी काम है। पहला काम है रेक्टिफिकेशन का, नेगेटिव साइकिल को हटाना, और जो कि हट गया, ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है।
ठीक, तो दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर। आपने इसको लिखना कैसे है, ये एनसीईआरटी में 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है और एनसीईआरटी में और बोर्ड्स में 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है ये, तो इंपॉर्टेंट मार्क करो ऐसे। जब ये क्वेश्चन आएगा इसको लिखने का तरीका, आप सबसे पहले ये लिखेंगे व्हाट इज रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट या वोल्टेज। उसके बाद आप किसी भी रेक्टिफायर, चाहे फुल वेव चाहे हाफ वेव, फिर आप क्या लिखेंगे इसमें, इसका प्रिंसिपल, चाहे हाफ वेव चाहे फुल वेव, प्रिंसिपल यही रहेगा कि रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन बिकम्स लो व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड एंड बिकम्स हाई व्हेन रिवर्स बायस्ड। लिख लिया। इसके बाद आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ज्यादातर केस में फुल वेव रेक्टिफायर आता है, तो फुल वेव में आप ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ए एंड बी डायग्राम, दो डायोड्स के साथ। लिख लिया। और साथ में आउटपुट भी शो करेंगे, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, राइट। फिर आप लिखेंगे इसकी वर्किंग। वर्किंग में हेडिंग लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे पॉजिटिव साइकिल, फिर नीचे हेडिंग लिखेंगे नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल में ये लिखेंगे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट एसी द अपर पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड एज शोन इन द फिगर जो आप देखेंगे एंड लोअर इज एंड इज रिवर्स बायस्ड। फिर फॉरवर्ड करंट फ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ मेजोरिटी कैरियर ऑफ अपर पीएन जंक्शन डायोड, क्योंकि ऊपर वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड है, तो फॉरवर्ड करंट उसमें से जाएगा जंक्शन की तरफ, तो इसलिए आउटपुट में करंट रिसीव किया जाएगा। नेगेटिव में क्या लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे अपर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड एंड लोअर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, तो मेजोरिटी कैरियर करंट इसकी वजह से होगा ड्यू टू लोअर डायोड, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस्ड है एंड करंट इज रिसीव्ड इन सेम डायरेक्शन। तो हेंस नेगेटिव साइकिल्स आर ओमिटेड फ्रॉम द डायग्राम फ्रॉम द इनपुट एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव साइकिल्स। तो आप ये डायग्राम शो करके, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल ऑफ द एसी अपर पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड लोअर इज रिवर्स बायस्ड। नेगेटिव में द अपर पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड एंड लोअर पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड कर ले मतलब एक फॉरवर्ड करना है, एक रिवर्स करना है, एक रिवर्स करना है और दूसरा फॉरवर्ड। इसे फॉरवर्ड कर ले प्लीज, करेक्शन कर ले, फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक, अगर रेक्टिफायर में, अपने वर्ड्स में लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखेंगे वर्किंग। ठीक, अगर रेक्टिफायर में मैथमेटिकल पोर्शन की बात करें तो रेक्टिफायर में सबसे पहले डेफिनेशन आ सकती है व्हाट इज रिपल फैक्टर, एक नंबर में। तो रिपल फैक्टर ऑफ रेक्टिफायर इज रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट, दैट इज करंट एसी करंट डीसी, और या फिर वोल्टेज एसी वोल्टेज डीसी। ठीक, उसी तरीके से अगर एफिशिएंसी की डेफिनेशन आती है तो रेक्टिफायर करता क्या है, रेक्टिफायर डीसी आउटपुट देता है और इनपुट में क्या लेता है, एसी। तो आउटपुट डीसी पावर डिवाइडेड बाय इनपुट एसी पावर इनटू 100%, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी। क्लियर है यहां तक, ये इसकी एफिशिएंसी है। और अगर बाय चांस और मैथमेटिकल अगर मान लो पार्ट की बात करें तो आपने नोट किया होगा कि इस रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है, तो ट्रांसफार्मर के रिजल्ट्स भी वैलिड हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर वी आरएमएस क्या होता है, वी नॉट बाय रूट टू, वी नॉट की जगह यहां पे लिखा जाता है वी प्राइमरी मैक्सिमम, प्राइमरी के अंदर मैक्सिमम का मतलब वी नॉट, क्योंकि प्राइमरी में क्या आ रहा है, एसी, एसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वी नॉट, वी नॉट की जगह प्राइमरी मैक्स लिख देंगे, एक ही बात है, ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला है। ऐसी वोल्टेज इन सेकेंडरी, वोल्टेज इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो यहाँ मैक्सिमम लगा देंगे, वोल्टेज इन सेकेंडरी, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी आउटपुट मैक्सिमम, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी मैक्सिमम इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये बार बार मैक्सिमम वर्ड इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि मैक्सिमम पीक वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं जो कि डीसी में कन्वर्ट हो जाता है
सारी वैल्यूज का तो क्या करेंगे, पीक पीक वैल्यूज को कॉन्स्टेंट करंट, क्योंकि हमने अल्टीमेटली बनाना क्या है, टीसी बनाना है, इसे मैक्सिमम वैल्यू के साथ काम करता है, जिसको वी नॉट भी लिखा जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर का ही फॉर्मूला है, फुल वेव रेक्टिफायर में भी सेम फॉर्मूला वैलिड है, और चाहे तो प्राइमरी मैक्सिमम वी नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, रूट टू इन टू वी आर एम एस। और डीसी जो कॉम्पोनेंट होता है वो एवरेज वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है, तो जो डीसी करंट है दैट इज 2/π टाइम्स मैक्सिमम करंट, और आई आर एम एस क्या होगा, आई नॉट बाय रूट टू। उसी तरीके से आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होगा, ओम नो लगाएं, जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस का मतलब है आउटपुट रेजिस्टेंस, तो आउटपुट रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस आई डी सी इंटू आर एल, आई डी सी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 2I0 बाय पाई इंटू आर एल। तो ये आपके पास क्या आएगा, मैथमेटिकल पोर्शन, जो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा याद करने की जरूरत है, बस ट्रांसफॉर्मर के ऊपर ही ये बेस्ड है। क्लियर है यहाँ तक?